तो ये है माइनक्राफ्ट, बट जैसे जैसे मुझे डैमेज पड़ेगा मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा बेन 10 के एलियंस में। और अगर तुमने आज तक बेन 10 नहीं देखा तो क्या रे भीख मंगया, क्या देख रहा है? और मैं माइनक्राफ्ट में काफी दिनों बाद आ चुका हूँ, कहाँ था मत पूछो। और देखो यार, मैं लिटरली काफी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 11 दिनों के बाद माइनक्राफ्ट खोल रहा हूँ। और देखो जरा, ये विलेजर तो काफी ओपी लग रहा है, इसके जूते भी काफी ओपी लग रहे हैं। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। और अब तुम लोग बोल रहोगे कि बेन 10 है कहाँ? क्लिकबेट करता है साला। नहीं नहीं, ये क्लिकबेट नहीं है, बस मुझे चाहिए होगी एक घड़ी, कुछ आयरन की टूल, एक पत्ता और एक ये। देखो हमारी ऑमनेटिक्स तैयार है, और अगर तुमने बेन 10 देखा नहीं है तो एक बच्चा होता है जिसको घड़ी मिल जाती है और वो घड़ी दबाते ही किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो चलो गाइस, अभी ना मैं पहला काम तो यही करता हूँ, कुछ बेसिक टूल बनाता हूँ। वाओ, इधर मधुमक्खियों का छत्ता भी है, तो आई थिंक मुझे डैमेज जल्दी बढ़ने वाला है और मैं अपने पहले एलियन में जल्दी से ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। ओके, तुम इसमें मारता हूँ और जैसी इससे 20 बाहर निकलेगी मुझे डैमेज पड़ जाएगा, इसमें तो 20 ही नहीं है। वाह गाइस, और अब टाइम है अपने लिए कुछ खाना कलेक्ट करने का। वेट, ओके तो गाइस मैंने पीवीपी करके मार दिया है इन काउज को। और चलो गाइस, अपना मैं अपने पहले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ और मुझे लिटरली कोई भी आइडिया होने नहीं वाला है कि मुझे कौन सा एलियन मिलने वाला है। तो ओके, तो 1, 2 और 3। वेट गाइस, ये 4 आर्म्स मिल गया है। पहली इतना खतरनाक वाला पोकेमोन मिल चुका है हमें, पोकेमोन सॉरी एलियन मिल चुका है हमें। ओके तो देखो यार, माइनक्राफ्ट में थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा? और देखो ये चल कैसे रहा है, पर जहां तक मुझे लगता है आई थिंक इसके पास पावर काफी ओपी ओपी होने वाली है। और वेट देखो, ये स्लैम मार रहा है अपना वो खतरनाक वाला मूव। ओहो गोलम भाई कैसे हो? चलो गाइस, अभी मैं 4 आर्म बन चुका हूं, पहले साला हमेशा मारता था पर आज हमारी बारी है, तो चलो मैं ना इसे मारूंगा अपना पावरफुल वाला पंच। वो भाई पावर तो काफी ज्यादा है 4 आर्म में। वेट नहीं नहीं, ओ भाई आज तो इतिहास लिख देता मैं, आयरन गोलम ने मार दिया 4 आर्म्स को, कितना तुच्छ प्राणी है वो, और वो मारेगा मुझ जैसे खतरनाक प्राणी को, 4 आर्म्स को आयरन गोलम मारेगा, सोचो जरा एक बार। पर खैर छोड़ो, तुमने तो बेन 10 देखा नहीं, तो चलो यार अभी ना प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ कहीं पे माइनिंग करने और वहां से मैं टूल लाने वाला हूँ आयरन के, डायमंड के, सोने चांदी के, सब चीजों के। यार बेन 10 बने आज, कमाल बात है। Eventually. तर अभी ना माइन कर ही रहा था और मुझे मिल चुका है माइन चाप, और वो भी इतने जल्दी, और लिटरली मैंने ना बस थोड़ा सा ही माइन किया है और जैसे ही मैं थोड़े आगे बढ़ा मुझे माइन चाप मिल चुका है। तो चलो अभी थोड़े माइनिंग के नशे करते हैं और साथ साथ आयरन कलेक्ट करते हैं, गोल्ड कलेक्ट करते हैं और जो भी चीजें मिलती है। और देखो मेरा ना बस एक ही एम होने वाला है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नामक एक चीज होती है, उसको भी गाड़ना नहीं है, हम खुद डैमेज लेंगे, किसी के हेल्प नहीं लेंगे। व्हाट द हेक, वेट भाई बड़ी गंदी जगह वैसे तीर मारा है स्केलेटन ने। तो गाइस कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरों की हेल्प भी लेनी चाहिए। वो छोड़ो, तो देखो यार मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ बस शॉक में, काफी खतरनाक एलियन था ये, ये लिटरली यार लाइटनिंग स्पॉन कर सकता है। और देखो जरा ये कितना छोटा सा है। ओके तो आयरन मुझे मिल चुका है, माइन माइन माइन। अरे यार नीचे तो है नहीं कुछ। वेट वेट वेट, मेरे पास टॉर्च नहीं है, तो चलो टॉर्च बनाने चलते हैं, पैसों की कमी थोड़ी ना है। और एक काम करता हूँ मैं, वो भी बना देता जिससे कि जाले भी काटते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, आयरन का होता है ना तो दो मुंह वाला कुछ, कैंची टाइप। हाँ ये देखो, इसी की बात कर रहा था मैं। वेट गोल्ड, नाइस। और गाइस जहां तक मुझे लगता है आगे ना इस माइन शाफ्ट में और भी काफी नए नए प्राणी हमें मिलने वाले हैं। पर वेट, पहले मुझे देखो सामने ज़ॉम्बी दिख रहा है, अरे इससे मैं डैमेज नहीं लेने वाला चाहे जो हो जाए। और वेट, अब ये कौन सा एलियन है? गाइस मैंने बेन 10 देखा है, वेट वेट सोचता हूँ। तो गाइस अगर तुम्हें इस एलियन का नाम पता है तो कृपया कमेंट में बताओ। अच्छा कुछ भी बोलो भाई, पावर जिसकी काफी ओपी लग रही है मुझे, देखो जरा। और लिटरली देखो यार ये ना ब्लू फ्लेम्स फेंक रहा है, तो चलो थोड़ी सी और माइन कर लेता हूँ। और देखो यार ये ना स्नो की शील्ड बना सकता है, जो कि काफी ओपी बात है। और चलो अब ओवरवर्ल्ड में चलते हैं, कब तक हम इस माइनक्राफ्ट में ही रहेंगे, तो चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर के मॉब से थोड़ा लड़ते हैं। Many minutes later. ठीक है तो मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ, मैं लिटरली बीच में फर्निस लगाने वाला हूँ, क्राफ्टिंग टेबल भी, और चलो देखते हैं किस में मत है कि वो मेरे जैसे महान प्राणी के पास आ पाए। ओ मैं गलत था,
भाई यहाँ पर चारों तरफ काफी खतरनाक मॉब है। और इससे पहले मैं ब्लास्ट हूँ, कृपया कर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब जल्दी जल्दी वीडियो आएगी। और हाँ, क्या मैंने तुम्हें एक बात बताई, और इस वीडियो में मेरा एम होने वाला है कि मैं फाइंड करूँ अल्टीमेट ट्रिक्स को। तो वेट यार, देखो सामने से क्रीपर आ रहा है। देखो वो क्रीपर कैसे बटा है, ये स्केलेटन का एरो कैसे आ गया। और अब वेट, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ XLR8 में। ये तो भाई मेरा फेवरेट एलियन था, और इसकी स्पीड ना मुझे फ्लैश से भी ओपी लगती है। और देखो जरा, मैं किसी को भी एकदम लाइटनिंग स्पीड में मार पा रहा हूँ, और वो भी इतने दूर से। व्हाट द है, पर चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं एक नए एलियन बन चुका हूँ जिसका नाम है हीट ब्लास्ट। और हीट ब्लास्ट भी ना यार भाई काफी तगड़ा एलियन था। तो चलो पहले ना मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके तो गाइस सुबह हो चुकी है, और अब टाइम है एक नए एलियन में बदलने का। ये कौन सा कीड़ा है, क्या ये भी एलियन था? अच्छा हाँ, ये वो था स्टिंग फ्लाई। एंड नाइस, इसकी पावर्स भी मुझे काफी ओपी लग रही है। वैसे वेट यार, ये लेजर कब फेंकता था? ये तो वो नहीं फेंकता था, कुछ ग्लू टाइप। पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना है। ये कहाँ का सेंस है, ये अपनी पॉइजन बॉल से खुद पॉइजन हो रहा है। एंड नाइस, हमारे पीछे बी पड़ चुकी है, और इसका मतलब है एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का। व्हाट द हेक गाइस, ये क्या है, ये कौन सा कुत्ता आ चुका है? अच्छा हाँ, ये भी तो एलियन था, वाइल्ड मट करके इसका नाम था कुछ। बढ़िया है, तो गाइस अब बहुत हो चुका है, मैं कब तक वो पुराने एलियंस बनते रहूंगा। अब टाइम है अल्टीमेट ट्रिक्स बनाने का। तो चलो अल्टीमेट ट्रिक्स के लिए हमें कुछ ये कांड करना पड़ेगा। नाइस, ये भी बढ़िया है। एंड या, तैयार हो चुकी है हमारी प्यारी अल्टीमेट ट्रिक्स। तो एक काम करता हूँ, चलो मैं डैमेज लेता हूँ, और फिर देखते हैं कि अल्टीमेट ट्रिक्स में हमारा फर्स्ट एलियन होने कहां से वाला है। वेट, जैट्रे। पर मैं बना क्यों नहीं हूँ, मेरे पास जैट्रे की पावर्स आ चुकी है, पर दिख रहा है नहीं वैसे कुछ। चलो अब ये भी ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ना थोड़े आगे घूमता हूँ। व्हाट द हेक, अब मैं उड़ूंगा कैसे? शिट, मेरी उड़ने वाली पावर गायब हो चुकी है। एक काम करता हूँ मैं ना ओमनी ट्रिक्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ।